तो विकास जी आप बताइए, करोड़ों रुपया लगता कहां है? सर मारा तो करोड़ों लगता नहीं, हम मेरी पिक्चर में तो मैंने कंगना को भी अकेले हनीमून पे भेजा था कि दो के पैसे नहीं थे। अकेली कहां थी, आप खुद उनके साथ गए थे। जो भी कहिए, बट हनीमून का मजा अकेले में ही है। जो भी है, आपकी फिल्म जो थी क्वीन बड़ी शानदार थी, लेकिन शानदार क्वीन नहीं हो सकी। वैसा सर इसने एडिट की थी सर। नहीं बैठे मेरा सारे अच्छे, मैंने बड़े अच्छे सीन शूट किए थे, इसने एडिटिंग पे चीटिंग करी, इसकी वेलवेट बनी थी, इसने बोला मेरी लगी मैं तेरी भी लगा दूंगा। देखिए हम यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ मुझे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म का टिकट उतने महंगे नहीं है जितने पॉपकॉर्न महंगे हैं, आखिर क्यों? बड़ी तहजीब से पूछा आपने। कपिल आपको आपको पता है कि पॉपकॉर्न और समोसा का रेट ज्यादा क्यों है? जी क्योंकि अनुराग जब फिल्म बनाते हैं तो इतनी कट जाती है, सिर्फ इंटरवल रहता है। तो इस वजह से इनका ये कहना है, पिक्चर जैसा भी हो पिक्चर का टिकट भी महंगा होता है, उसके बाद पिक्चर देखो अभी कभी अच्छा कभी बुरा कुछ भी हो सकता है, पॉपकॉर्न हमेशा अच्छा होता है। पॉपकॉर्न का क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाता है। बस कर, पॉपकॉर्न बेचे जा रहा है क्या अपने यहाँ पे? चुप कर, यहाँ इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, पहले पॉपकॉर्न नहीं बेचे जा रहा। तू चुप, कितना मस्त बोल रहा है गोलू, तू बोल। पहले जैसा टाइम नहीं रहा, 10 रुपए का पॉपकॉर्न। लोगों की डिबेट हो रही है, आप बीच में क्यों अटक रहे हो? अक्सर ये कहा गया है कि जो बोता है वही काटता है, लेकिन आपके साथ उल्टा है, फिल्म आप बनाते हैं काटता कोई और है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम वो जो शोले का डायलॉग है ना गब्बर का जी, जो ठाकुर को बोलता है काटने वाले को, हम ये कहना चाहेंगे ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए आपकी फिल्में महंगी है चाहे कितनी भी हो, बट मैं आई एम ए फैन, एज ए डॉक्टर आई लव इट। फैन इसलिए इनको गाली सुनने का बड़ा शौक है। मरीज इन्हें गाली सुनाकर चले जाते हैं। अभी के अभी बैठा बैठा ना अपने अपेंडिक्स से गाली निकालूंगा तेरे लिए मैं अभी। कल तो बकवास कर रही है। सुना के तो देखिए, हम भी आपको सुझा ना दे तो कहना। सिर्फ काम से लुची नहीं है हम, ऐसी जगह मुक्का मारूंगी कि तुम रोओगे कम शर्माओगे ज्यादा। मैंने थूक फेंक देनी है। अच्छा इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो घटिया बात करने का क्या जरूरत है तुमको? जब से आए तब से घटिया ही बात कर रहा है, घटिया इंसान। मैंने तेरे मुंह पे सच में थूक फेंक देनी है, मैंने नहीं देखना। लेडी के ऊपर हाथ मैंने ऐसे डॉक्टर मैंने कभी जैसा कि हमेशा की तरह हमारे गेस्ट ने हमारी डिबेट खराब कर दी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.